तो हे गाइस व्हाट्सअप के हलचल। तो आज हम बताने वाले अपाचे 164D के कॉन्स के बारे में, पांच कॉन्स बताएंगे, पांच होंगे, ठीक है ना। तो ये है ओल्ड मॉडल, बट डोंट वरी, इंजन सेम है, सब कुछ सेम है, पावर वगैरह बट देखने में थोड़ा सा अलग है, एंड इंडिकेटर वगैरह चेंज किया थोड़ा हमारे साथ। पांच चीज जो उसमें भी है, अभी जो नया वर्जन 2023 वाला, बट ये है 2021 वाला, ये दो साल हो गया, बट चलो देखते हैं दो साल का रिव्यू क्या है मिलते हैं। तो पहला जो कौन से वो है स्टैंड, ठीक है ना। गाड़ी जो है अभी देखोगे तो थोड़ा सा ऊपर में लगा हुआ है, बट देखो कितना टिल्ट है, कुछ ज़्यादा टिल्ट है, मतलब अभी कुछ मार्ट वगैरह होगा ना तो ये कुछ जाएगा। तो स्टैंड देखो पहले खरीदने में यहाँ तक यहाँ पे स्टैंड, ठीक है ना, अभी ये स्टैंड यहाँ चला गया, पूरा टेढ़ा हो गया, अभी इसमें कोई चढ़ा नहीं, कुछ नहीं किया, बट ये इसका वेट स्टैंड नहीं ले रहा, यह पहला कॉन्स, ठीक है ना। दूसरा कॉन्स है इसका मड गार्ड, तो ये है मड गार्ड, ठीक है ना, बट इसमें मड गार्ड ही नहीं होता भाई, पीछे जो बैठता है, मतलब किसी कीचड़ वाले रोड में अगर जाएंगे हम तो उसका बैक जो साइड होगा ना पूरा कीचड़ में बैठ जाता है, तो ये मड गार्ड नहीं होता, क्या बताऊं, इसको देना ना देने में कोई फर्क ही नहीं। तो ये हो गया दूसरा, अभी होगा तीसरा, क्वालिटी इस बाइक, अभी देखना साउंड सुन रहे हो, मतलब ये देखो इसका प्लास्टिक पता नहीं कितना हार्ड है, यहाँ पर देखो बीच बीच में गैप है, यहाँ गैप है, यहाँ गैप है, ये देखो गैप, यहाँ पर कटिंग कुछ अलग अलग टाइप का, मतलब क्वालिटी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा मुझे पर्सनल, यहाँ पर बहुत सारा गैप है, यहाँ पर देखोगे गैप है, ये हो गया तीसरा। जो चौथा हो गया इसका स्लीपर गियर, इसका गियर सेफ्टी में कभी कभी बहुत सारा दिक्कत देता है, मतलब कभी कभी लगाने जाता हूँ क्लच दबा के बम्पर पार करके पाँच नंबर पे चल रहा है तो क्लच दबा दिया, उसके बाद चौथा होना चाहिए बट वो पाँच में ही रह जाता है, ये बहुत दिक्कत देता है। तो ये मुझे बहुत बड़ा कौन सा लगा, क्योंकि अब चल रहा है क्लच दबाया उसके बाद गियर चेंज किया बट अब देख रहे पाँच में ही चल रहा है, उसके बाद इंडिकेटर भी नहीं है जिससे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो शोरूम में भी जाके बोला बट एक उसके बाद एक दो महीना अच्छा चलता है, उसके बाद सेम अगेन रिपीट हो गया ना। अभी है पाँच नंबर, पाँच वाला जो मेरा पर्सनली है, जो भी बाइक को थोड़ा सा सजाना चाहते हैं उन लोगों के लिए है, ये होगा इंडिकेटर, ये मैंने अफ्टर मार्केट वाला इंडिकेटर लगाया है, जो भी LED वाला, बट जो बाइक के साथ है वो है हेलोजन इंडिकेटर, ठीक है ना, तो वो मुझे पसंद नहीं आया तो उसके साथ इंडिकेटर लगा, क्योंकि हमको 1000 लगाना है, देख रहे हो 4000 एक साथ चल रहा है, तो अगर कंपनी से LED वाला लगा देते हैं तो सही है, मतलब एकदम पूरा हो जाएगा, लाइटिंग का कोई स्पेशली था। पांच चीज वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, मान के पहुंचा दीजिए, थैंक यू, बाय बाय।